हेलो स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी एसिडिक बिहेवियर को शो करती है, वो है डाइल्यूट HCl एसिड इज द मोनो बेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन है। अगर आपने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको कि डाइल्यूट HCl इज मोनो बेसिक एसिड। मोनो मींस वन हाइड्रोजन आयन के रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो देखिए, HCl डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? वाटर में। HCl डिसोशिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में जब डिसॉल्व हो रहा है तो एक हाइड्रोजन आयन, वन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो देखिए, HCl H2O की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन में H आयन प्लस और Cl माइनस में आ गया, यानी कि यहां पे डिसोशिएट हो गया कैटायन और एनायन में, और जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए ये वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर ऑफ द HCl के लिए। इसका मतलब पानी यानी कि वाटर जिम्मेदार है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, मोनोबेसिक नेचर को शो करने के लिए एसिडिक प्रॉपर्टी में, क्योंकि वाटर खुद भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर आयोनाइज कर देता है इस पोलर सॉल्वेंट HCl को। HCl भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, तो ये पोलैरिटी डेवलप कर देता है प्लस और माइनस। और आप देखते हैं पोलैरिटी डेवलप होके ये इस तरह से भी लिखा जाता है इसको, ये पोलर कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है और ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट भी काम करता है। लेकिन अगर हम इस HCl को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि टॉलुइन, फॉर एग्जांपल टॉलुइन, एल्कोहल, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें डिसॉल्व कर दें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो नॉन पोलर होते हैं। ये नॉन पोलर कंपाउंड में जब डिसॉल्व होगा कुछ नहीं होगा, HCl जो है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा क्योंकि ये कैटायन और एनायन में डिसोशिएट नहीं होगा और ना ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो आपको बेसिक फंडामेंटल इसका समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन के रिलेशन में इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है और वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एसिडिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl बन जाता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे हैं। आगे की फर्दर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। ये केवल केमिकल प्रॉपर्टीज HCl की ही नहीं है, किसी भी एसिड की हो सकती है। इन जनरल अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की जो हर जगह एप्लीकेबल हैं, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चाहे नाइट्रिक एसिड है, व्हाटएवर। तो देखिए, उन मिनरल एसिड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर एक्टिव मेटल में एसिड को मिलाया जाएगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सॉल्ट बनता है। तो देखें, जैसे कि आयरन को ले लिया, जिंक को ले लिया, अब आयरन के साथ HCl मिलाया, 2HCl, तो आयरन क्लोराइड का FeCl2 का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। जिंक के साथ जब HCl को 2HCl मिलाया तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी पे आए, हम जानते हैं किसी भी एसिड और बेस को मिलाएं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो देखिए, बेस और एसिड को लिया तो सॉल्ट और वाटर जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हमने ले लिया बेस कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड का बेस है, ये हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके साथ HCl को मिलाया तो देखिए CuO+2HCl से कॉपर क्लोराइड CuCl2+H2O बन रहा है, और NH4OH से अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट NH4Cl+H2O बन रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आए तो देखिए, मेटल एक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये एक जनरल पैटर्न है। तो वहां पे भी यही होगा। अब हमने Na2CO3 का सॉल्ट ले लिया, अमोनिया सोडियम कार्बोनेट, और इसमें HCl मिलाया 2HCl, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट वाटर और CO2 बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का सॉल्ट ले लिया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। इन द सेम वे कैल्शियम कार्बोनेट CaHCO3, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट ले लिया, इसमें HCl मिलाया तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर और CO2 बन गया। तो देखिए, हर जगह जनरल पैटर्न पे रिलेशन हो रहे हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शो कर रहे हैं। इसके बाद की नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज को और देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें हम, तो सल्फाइट और बाइसल्फाइट में अगर एसिड मिलाया जाता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनती है। तो HCl के केस में भी ऐसा ही होगा, Na2SO3 और NaHSO3, अगर हम सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाइसल्फाइट को लें और उसमें HCl को मिलाएंगे तो देखिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, SO2 बन रहा है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड।
उसके बाद सल्फाइड को देखें, अगर सल्फाइड के साथ में एसिड मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। जैसे कि हम FeS आयरन सल्फाइड को देखें तो इसके साथ में HCl मिलाया तो देखिए FeCl2 मिल गया, आयरन 2 क्लोराइड और H2S गैस रिलीज हो जाएगी। अब तीन और देखिए सॉल्ट के रिलेशन, तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट ले लिया, AgNO3 के साथ HCl को मिलाया तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और HNO3 डिस्प्लेस हो जाता है। अगर लेड नाइट्रेट को ले लें, PbNO3 होल ट्वाइस के सॉल्ट को ले लें और इसमें HCl मिलाएं तो PbCl2 लेड क्लोराइड का PPT बनता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट और यहां भी HNO3 लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में देखिए डिस्प्लेस हो रहा है। उसके बाद आता है एक और कंपाउंड सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट के साथ अगर 2HCl मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनता है, SO2 बनती है, सल्फर बनता है और वाटर, इतनी चीजें प्रोड्यूस होती हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। तो HCl एसिड की एक अगली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन ऑफ द HCl एसिड विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो देखिए पांच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के आपके सामने नाम लिखे हैं, ये सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये हैं, पहला है लेड ऑक्साइड PbO2, दूसरा है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, तीसरा है लेड यानी कि रेड लेड जिसे कहते हैं Pb3O4, चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और पांचवा है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं यानी कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HCl एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और उसको कंसंट्रेटेड, ध्यान दीजिएगा कौन सा, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। मींस दीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज द कंसंट्रेटेड HCl एंड लिबरेट, इंपॉर्टेंट बात आती है, एंड दे लिबरेट क्लोरीन गैस और दिस कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन ऑल्सो। तो देखिए इन जनरल रिएक्शन बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस कंसंट्रेटेड HCl गिविंग सॉल्ट वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो ये जो पांच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये कंसंट्रेटेड HCl से किस तरह से एक रिएक्शन करके इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस को देख लेते हैं। तो देखिए ये रिएक्शंस क्या होते हैं, ये रिएक्शंस हैं MnO2 जो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 के साथ में 4HCl मिलाया गया, गर्म किया गया तो MnCl2 वाटर और Cl2 बन गया। PbO2 जो आपका दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसमें HCl मिलाया 4HCl, ये बैलेंस कंडीशन है तो गर्म किया तो PbCl2 का सॉल्ट बना, वाटर बना और क्लोरीन बन गया। Pb3O4 रेड लेड को लिया HCl के साथ मिला के हीट किया, ये सब कंसंट्रेटेड HCl है इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हीट किया तो PbCl2 लेड क्लोराइड का सॉल्ट वाटर और क्लोरीन बन गया। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ 16HCl मिलाया, हीट किया तो KCl पोटेशियम क्लोराइड MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन बना। K2Cr2O7 के साथ 14HCl मिलाया, फिर देखिए वही रिएक्शन KCl बना, CrCl2 बना, क्रोमियम क्लोराइड वाटर और Cl2 बन गया। तो आप देख सकते हैं ये पांचों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ HCl कंसंट्रेटेड HCl ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बच्चों इन दिस वे इस वीडियो में आपने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज HCl एसिड की पढ़ी, अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl से कैसे होता है, वो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, साथ में उसके डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में और यूजेस के बारे में और अपने चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू।